ये 15 राशन आ गए सरकारी मरकारी जो भी होंगे आपके राशन, इनके क्या दे दूं मैं 65 कंबलों के? आप 20 दे दें। ये किसी से बात नहीं कर रहा। क्या है आप यहाँ पे? मैं क्या करूँ? अगर आपके हाउस से राशन निकलेगा और बिकेगा मार्केट के अंदर, पब्लिक में से हम पे कॉन्ट्रास्ट करेगा कि आप टैक्स दें और टैक्स के पैसे जो है वो ठीक लोगों पे लगेंगे। भाई मेरा यकीन करे, यकीन करे, दिल करे मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या लिखना। आप तो बादशाह लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या मसला है यार? यहाँ दरवाजा खुड़काओगे पुलिस वाला निकलेगा, पुलिस वाले से मेरी बात। इंसानियत इस हद तक गिर सकती है आप शायद तसव्वुर भी ना कर सकते हो। इंसान हिरसो हवस में कितना जलील हो सकता है आप शायद सोच भी ना पाए। और एक आला सरकारी अफसर हराम खोरी में इतना आगे जा सकता है शायद किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। क्या आप सोच सकते हैं कि अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह और मुराद पाने वाला एक सरकारी अफसर सैलाब से मुतासिर होने वाले अवाम के हिस्से का राशन भी बेच खाए? क्या आप सोच सकते हैं कि कौम की दौलत से अफसरी कुर्सी और इख्तियार का मजा लेने वाला आला सरकारी अफसर सख्त सर्दी में ठिठरते हुए कौम के बच्चों के लिए दिए जाने वाले कंबल भी फरोख्त कर दे? और क्या आप सोच सकते हैं कि सैलाब जदगान का राशन और सरकारी कंबल बेचने की मुकम्मल खुफिया रिकॉर्डिंग होने के बावजूद इंतहाई ढीठ अफसर अपने इस मकरूह अमल पर शर्मिंदा होने की बजाय हमारे सबूतों को झुठलाता रहे? लेकिन सच और हकीकत से कितना मुंह मोड़ा जा सकता है? सैलाब जदगान के हिस्से का सरकारी राशन और कंबल बेचने वाले मीरपुर खास के इस मुख्तार कार के खिलाफ टीम सरयाम के सबूत इतने पक्के थे कि इसे अपने अंजाम से दोचार होना ही पड़ा। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर आपके हाउस से राशन निकलेगा और बिकेगा मार्केट के अंदर, वहां से कंबल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की स्टैंप वाले निकलेंगे और बिकेंगे और ये साहब उनके पैसे लेंगे, पब्लिक में से हम पे कॉन्ट्रास्ट करेगा कि आप टैक्स दें और टैक्स के पैसे जो है वो ठीक लोगों पे लगेंगे? सर इन पांच जबरदस्ती मुझे ये सब कराए थे कि महकमे के छजवा था कि रोज फोन के समझाई दो है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कात इज्जत रखो। अरे ये कभी और नौकरी हूं ताकि ऐसा समझाई हो। अगर भाई मेरा यकीन करे दिल करे मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। इस शातिर और बेईमान अफसर का अंजाम क्या हुआ, ये कैसे सलाखों के पीछे पहुंचा, ये सब दिखाने से पहले हम इसकी घटिया करप्शन की मुकम्मल रुदाद आपके सामने रखते हैं। हमें कई हफ्ते से मीरपुर खास में सैलाब जदगान के राशन, मच्छरदानियों और कंबलों की फरोख्त की शिकायत मौसूल हो रही थी, सो हमने इन शिकायत की तहकीकात के लिए फिल फॉर मीरपुर खास के मुख्तलिफ तालकों में अपना तहकीकाती ऑपरेशन लॉन्च किया। सरकारी अफसरान की जानिब से सैलाब से मुतासिरा लोगों के हिस्से का राशन और कंबल बेचे जा रहे हैं, इस बात को साबित करने और मुलव्वस अफराद को उनके कानूनी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें सबूतों की जरूरत थी और हमें ये सबूत सबसे पहले सिंध के जिला मीरपुर खास के तालका हुसैन बख्श से मिले। याद रहे टीम सरयाम ने चंद हफ्ते पहले मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर सलामत मेमन के खिलाफ करप्शन के वीडियो सबूत नशर किए थे। टीम सरयाम के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर ये करप्ट डिप्टी कमिश्नर खिड़की से हमें आता हुआ देखकर अकबी दरवाजे से फरार हो गया था, लेकिन हुकूमत सिंध ने इस मामले की तहकीकात के बाद टीम सरयाम के सबूतों को तस्लीम करते हुए डिप्टी कमिश्नर को उसके ओहदे से हटा दिया था। और टीम सरयाम के छापे के बाद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दर्ज करवाए जाने वाले झूठे मुकदमे को भी खारिज कर दिया गया था।
इस प्रोग्राम के बाद डिप्टी कमिश्नर की करप्शन के सताए हुए मीरपुर खास के अवाम ने टीम सरयाम के काम को बेहद सराहा और शायद यही वजह थी कि अब उनकी तवक्कुआत हमसे और ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए सैलाब जदगान का राशन और कंबल बेचने की सबसे ज्यादा शिकायत हमें मीरपुर खास से ही मिली थी और यहाँ के इन्फॉर्मर की मदद से हम मीरपुर खास के मुख्तार कार कुयूम लगारी तक पहुँचने में कामयाब भी हो गए थे, जो जिले में सरकारी राशन और सरकारी कंबल फरोख्त करने के हवाले से बदनाम था। ये शख्स इतना करप्ट था और मीरपुर खास के अवाम इससे इतना तंग थे कि जब हमारे सबूत दिखाने पर डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबिदीन ने इसे गिरफ्तार करवाया तो डीसी ऑफिस के इहाते में जमा होने वाले लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए और पुलिस बड़ी मुश्किल से इसे लेकर थाने आई। सब खा रहे हैं, बहुत अच्छा किया है तुमने। यहाँ तक कि एक पेपर बनाने के लिए भी, यहाँ पे डोमिसाइल बनाने के लिए भी यहाँ पर रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर अस्पताल के अंदर दाखिले के लिए भी रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर मकान बेचने के लिए भी रिश्वत दी जाती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें रिश्वत नहीं दी जाती हो। सैलाब मुतासरीन के राशन और कंबल बेचने वाले मुख्तार कार कुयूम लगारी का एतमाद हासिल करने के लिए हमारे नुमाइंदे ने सबसे पहले इसे एक फॉर्म 2 बनाने का कहा, जो किसी जायदाद के मालिक की तस्दीक करता है। अस्सलाम वालेकुम, 2 फॉर्म बनवाना है। अच्छा, तो पहले इसकी दाखिला होगी, ठीक है जी। नहीं, जी। आप जो करना है आप, नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि जो भी चीज होती है अगली मुलाकात में मीरपुर खास के मुख्तार कार कुयूम ने फॉर्म 2 हमारे नुमाइंदे के हवाले किया और बाकी अफसरान के नाम पर उससे चाय पानी का तकाजा किया। हमारे नुमाइंदे ने इसे ये फॉर्म बनाने के इवज 15,000 रुपए दिए। ये इस अफसर का एतमाद हासिल करके इससे सरकारी राशन और कंबल खरीदने की जानिब हमारा पहला कदम था। सलाम वालेकुम, आप सुनाए कैसी तबीयत है? काफी एसी सही भी करवा लिया, चेने भी कर दिया, सुपरवाइजर ने भी कर दिया, मतलब ये ओके है बस। मैंने तो अपने लिए लिए, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन पतेदार सुपरवाइजर एसी पते वाले सब मुझे कह रहे थे हमारे लिए क्या तो अब चाय पानी। मैंने तो मैंने तो आपको पहले ही बोला था, देख मैंने अपनी बात की थी ना, अपनी बात की सही है, दूसरों से तो बात कर रही है जरा। हाँ हाँ, मैं इमरजेंसी, मुझे पता है इमरजेंसी के अंदर जो है वो। गिनले नहीं, गिनले, गिनना अच्छी बात होती है, गिनना अच्छी बात है, गिनना बिल्कुल अच्छी बात होती है। अच्छा माशाल्लाह, ये अब टीम सरयाम का नुमाइंदा मीरपुर खास के मुख्तार कार का एतमाद जीत चुका था, सो अब हमें इस बात को परखना था कि सैलाब जदगान के लिए फराहम किया जाने वाला हुकूमत सिंध का राशन या हुकूमत सिंध की मोहरों वाले कंबल सैलाब जदगान को मुहैया किए जाने की बजाय इन्हें बेचने का इल्जाम दुरुस्त है या नहीं, और ये भी कि क्या मीरपुर खास का मुख्तियार कार कुयूम जतोई इस काम में मुलव्विस है या नहीं, क्योंकि हमें इस अफसर के बारे में एक से जायद शिकायत मौसूल हुई थी। 15,000 रुपए रिश्वत देकर फॉर्म 2 बनवाने के बाद हमारे नुमाइंदे ने अगली मुलाकात में मुख्तियार कार कुयूम जतोई से सरकारी राशन खरीदने की बात की, जिस पर इस अफसर ने इतनी आसानी से आमादगी जाहिर कर दी जैसे ये इसके लिए मामूल की बात हो। यूं तो अवाम के टैक्स के पैसों से खरीदी जाने वाली कोई भी चीज यूं बरसरे बाजार फरोख्त करना काबिले मजम्मत अमल है, लेकिन वो सरकारी राशन बेचना जो सैलाब से मुतासिर होने वाले बेबस और मजबूर खानदानों के लिए था, इससे ज्यादा काबिले नफरत अमल और क्या हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो राशन का भी कोई सिलसिला था? मुझे बोला था कि भाई वो उधर भी देने पड़ते हैं और ये वो। बिल्कुल, वो जो इंचार्ज होता है ठीक है,
कितने दे दूं मैं उसके, बताएं आप मुझे। 10,000 क्या? तो कितने राशन देंगे यार आप? 10 पैकेट। 10 पैकेट नहीं, मुझे 15 पैकेट चाहिए। आप मुझे, आपको 15 दे दूं। अच्छा ठीक है। इसको भी हाथ मारे आप। ठीक है, ये 15 राशन आ गए, सरकारी मरकारी जो भी होंगे आपके राशन। टू फार्म यहाँ ऐसा होता है हमारे, हमारा तो सारा कंप्यूटर वाला निज़ाम है यहाँ पे। ये 15,000 राशन के आ गए, 16 है। 1,000 दे दें, या 16 राशन कर दीजिएगा, या 16 राशन आप। ये 16,000 आ गए राशन के, 15,000 रुपए मैंने आपको ये जो टू फार्म है इसके दे दिए, टोटल मैंने आपको 30,000 रुपए दे दिए। ठीक है, 16 और 15 ये हो गए 31,000 हो गए। लेकिन 16, 17, 18, 20 जो भी राशन हो, आप तो बादशाह लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या मसला है यार? वहाँ के मुख्यकार को भी मैंने बोला, ठीक है, बाकी बस कितने देर आने वाले हैं, अभी आएंगे तो वैसे कितना, बिल्कुल मैं और आप दोस्ती वाली बात है, कितने, 1 दिन 2 दिन 4 दिन लग जाएंगे? 1-2 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये किसी से बात नहीं करनी। नहीं, क्या हो गया आपको? किसी से बात नहीं करूंगा कि मैंने सरकारी राशन के आपको 16,000 रुपए दिए। ये भी मैं जो इशू करेगा उसको निकालेगा राशन ना। पैसे लेने के बाद इसने हमारे नुमाइंदे को फोन करके बताया कि इसका बंदा सरकारी राशन की पहली खेप लेकर मीरपुर खास के इब्ने रुश्द कॉलेज के सामने पहुंच जाएगा। बताए हुए वक्त और मकाम पर मुख्तियारे कार का भेजा हुआ नुमाइंदा सरकारी राशन हमारे नुमाइंदे के हवाले कर गया। दीदा दलेरी और बेखौफी की इंतहा ये थी कि मुख्तार कार ने हमारे नुमाइंदे को सरकारी राशन बेचने के बाद राशन के थैलों पर लगे हुकूमत सिंध के स्टिकर्स तक उतारने की जहमत नहीं की। यानी ये भयानक करप्शन करते हुए इस अफसर और इसके साथियों को इस बात का भी खौफ नहीं था कि सरकारी राशन के ये थैले जब बाजार में बिकेंगे तो इनकी गिरफ्त हो सकती है। या तो ये जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी थी, या फिर इन्हें इस बात का यकीन था कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल हमारे नुमाइंदे ने सरकारी राशन के ये थैले वसूल किए और अगली मुलाकात में मुख्तारेकार से कंबल बेचने का कहा। सरकारी कंबल बेचना भी सरकारी अफसर के बाएं हाथ का खेल था। इसने फौरन ही हमारे नुमाइंदे को वो सरकारी कंबल भी फरोख्त करने की हामी भर ली जिन्हें इस सख्त सर्दी में ठिठरते सैलाब ज़दा मासूम बच्चों को दिया जाना था। ये कितने कंबल हैं? 40-50,000। पहले मैंने राशन के आपको कितने दिए थे? आई थिंक आपने 60 दिए थे। नहीं, मैंने 16,000 रुपये दिए थे। 60 दिए थे। और उसमें हुआ ये था कि आपने राशन दिए जो सरकारी वो दिए 15,000 रुपए, तो उसमें से मेरे बच गए। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इनके क्या दे दूँ मैं 65 कंबलों के कम से कम? आप मुझे कितने दोगे बताएं? आप बताएं कितने? आप 20 दे दें। देख ले ले। ये पहले हाथ मारे हैं आप कितने पहले गिने? अरे नहीं नहीं, पब्लिक नहीं होगा प्रॉब्लम। क्या हो गया? 19 है ना, तो 1,000 रुपए आपके वो आ गए। ठीक है, तो ये आपके ये 20,000 रुपए आपको मैंने ये 65 सरकारी कंबल के दे दिए। ठीक है, ठीक है। पैसे वसूल करने के बाद इसने हमारे नुमाइंदे को फोन पर बताया कि वो सरकारी कंबलों की पहली खेप उठाने के लिए डिप्टी कमिश्नर हाउस पहुंचे और वहां के गार्ड और सिक्योरिटी ऑफिसर से उसकी बात करवा दे। जी जी बेटा, आप कहां पर होंगे? सर मैं ये पुलिस लाइन के पास हूं। जी जी, आपसे देखा है ना आपने डिप्टी कमिश्नर का बंगला? डिप्टी कमिश्नर का बंगला ये जो प्रेस क्लब से आगे। जी 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 हाँ जी हाँ, यहाँ पे उस्मान होगा अपने तरफ। जी हाँ, यहाँ दरवाजा खुड़काओगे पुलिस वाला निकलेगा, पुलिस वाले से मेरी बात। ओके।
हमारा नुमाइंदा मुख्तियार कार के बताए हुए वक्त पर मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर हाउस पहुंचा और सिक्योरिटी इंचार्ज से मुख्तियार कार की बात करवा दी। मुख्तियार कार के बताए हुए आदमी ने डिप्टी कमिश्नर हाउस में स्टोर किए जाने वाले कंबल हमारे नुमाइंदे के हवाले कर दिए। ये कंबल देखकर भी हमारी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि हर कंबल पर हुकूमत सिंध की मोहर लगी थी और इस बार भी मुख्तियार कार और इसके नेटवर्क के बाकी कारिंदों ने इस मोहर को मिटाने या उतारने की कोई कोशिश नहीं की थी। शायद इसलिए कि उन्हें यकीन था कि कोई उनका बाल भी बीका नहीं कर सकता। सरकारी कंबलों की तयशुदा तादाद को पूरा करने के लिए मुख्तार कार कुयूम जतोई ने कंबलों की दूसरी खेप खुद हमारे नुमाइंदे के हवाले की, क्योंकि अब तक शायद उसे हमारे नुमाइंदे पर मुकम्मल यकीन हो गया था। ये सबको ही देने पड़ते होंगे पैसे, एसी क्या, डीसी क्या, पीए क्या, नहीं जहर है। आपने जो ये कंबलों के राशनों के पैसे लिए, ये भी आप आगे भी देना पड़ते होंगे ना, है ना? और अगर नहीं देंगे तो फिर चीज नहीं मिलती। फिर भाई है नहीं, शाते जे, अच्छा किसको दे, अच्छा अच्छा जिला है, पूरा तालुका है, ड्रामे करते हैं बस। हाँ बिल्कुल, साइड में लगा लेना ताकि कोई देखे नहीं, क्योंकि ये है सरकारी माल। चले आप भी आ जाए। यहीं से निकले है ना, ठीक है, आपको पैसे दे दिए। हाँ सारे निकले। मीरपुर खास के मुख्तियार कार ने हमें मिलने वाली इत्तलात के ऐन मुताबिक सैलाब जदा खानदानों का राशन और कंबल उन तक पहुंचाने की बजाय हमारे नुमाइंदे को फरोख्त कर दिए थे, और जाहिर है ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। सरकारी राशन और कंबल बेचने की अपनी शोहरत के ऐन मुताबिक इस शख्स ने और इसके बाकी कारिंदों ने सरकारी माल बेचने का धंधा शुरू कर रखा था। मीरपुर खास के इब्ने रुश्द कॉलेज पर हमारे नुमाइंदे को सरकारी राशन डिलीवर करने से लेकर डिप्टी कमिश्नर हाउस के सिक्योरिटी इंचार्ज तक सब के सब लोग इस मुख्तियार कार के साथ मिले हुए तो थे, लेकिन हमारे लिए सबसे हैरान कुन बात ये थी कि हमें सरकारी कंबलों की पहली खेप मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर हाउस से फरोख्त की गई थी। इसमें परेशान कुन अमर ये था कि अभी चंद हफ्ते पहले ही हमने मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर सलामत अली और उनके असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान की करप्शन के सबूत नशर किए थे, जिस पर डिप्टी कमिश्नर सलामत अली ने हमारे खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का एक झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। लेकिन बाद हजार टीम सरेआम के सबूत सच साबित होने पर हुकूमत सिंध ने न सिर्फ हमारे खिलाफ वो झूठा मुकदमा खारिज किया, बल्कि डिप्टी कमिश्नर सलामत अली को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया। सलामत अली की जगह एक नौजवान अफसर जैनुल आबिदीन को डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया था, लेकिन इनके होते हुए डिप्टी कमिश्नर हाउस से टीम सरेआम को सरकारी कंबल फरोख्त किए गए थे। सो हमारे सामने एक बड़ा सवाल ये था कि डिप्टी कमिश्नर के मुलव्वस हुए बगैर डिप्टी कमिश्नर के सरकारी घर यानी डिप्टी कमिश्नर हाउस से सरकारी कंबल कैसे फरोख्त किए जा सकते हैं। इसीलिए हमने अपने वीडियो सबूतों के साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाने का फैसला किया, लेकिन एक ऐसे मंसूबे के साथ कि मुख्तियार कार भी हमें ऐन उस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मिले। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए हमारे नुमाइंदे ने मुख्तियार कार कुयूम जतोई से मजीद सरकारी राशन, कंबल और मच्छरदानियां खरीदने की बात की, और इस बार इसे एक बड़ी डील का लालच दिया। मुलाकात का वक्त तय हुआ और हमारे नुमाइंदे ने इसे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के इहाते में मिलने का कहा, इस बहाने के साथ कि उसे वहाँ कुछ काम है।
मजीद डील और पैसों के लालच में मुख्तियार कार ने फॉरन डीसी ऑफिस में मुलाकात की हामी भर ली। हमारे नुमाइंदे को अपने साथ ले जाने, उसके पैसों से खाना खाने और उससे पैसे लेकर उसे सैलाब जदगान का सरकारी सामान फरोख्त करने की गरज से मीरपुर खास का मुख्तियार कार कुयूम जतोई हमारे नुमाइंदे के साथ डीसी ऑफिस के इहाते में गाड़ी के अंदर बैठा ही था कि हमने उसे कैमरों के साथ जा लिया। लेकिन पहले ही लम्हे हमें एहसास हो गया कि ये बंदा करप्ट होने के साथ साथ ढीठ भी है और ये अपना करी जुर्म आसानी से तस्लीम नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? कुयूम साहब, आएंगे जरा एक मिनट गाड़ी बंद करके। आइए आइए आइए, डीसी साहब के पास लेके जाना। क्या होगा, क्या होगा? बताते हैं सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। आइए, क्या है आप यहाँ पे मीरपुर खास में? मुख्तार कार है। तो ये राशन वाशन बेचने का काम भी करते हैं क्या? मकसद है? कंबल शंबल भी बेचते हैं सुना आप, जो गवर्नमेंट के सैलाब फदगान के लिए आए हुए थे। नहीं भाई, आपने नहीं बेचे कुछ? नहीं। अच्छा, आइए सर, डीसी साहब के पास। क्यों, आपके अफसर है ना? नहीं चलना, आपने नहीं चलना? चलना था। आइए बिस्मिल्लाह, आ जाना उनके सामने बैठ के बात करें। हाँ जी, कंप्लेन है ना? आइए, हाँ मेरी कंप्लेन है। आपकी? मेरी कंप्लेन है जी। चले आए, आपके अकेले की नहीं है ये, पूरी आवाम की कंप्लेन। हाँ जी, ये पूरे आवाम की। आपसे करते हैं सब यही मौजूद। आज ना, आए ना, आपकी सिंधली की बात नहीं कर रहा मैं, और बात आज। सैलाब जदगान के हिस्से का सरकारी राशन और कंबल बेचने वाले इस अफसर को लेकर हम डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे, क्योंकि अव्वलन तो इस मुख्तियार कार के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीसी ही मुतल्लिका अफसर थे, और दोयम ये कि मुख्तियार कार ने सरकारी कंबलों के पैसे लेकर ये कंबल हमें डिप्टी कमिश्नर हाउस से दिलवाए थे। सो इस गैर कानूनी, गैर अखलाकी बल्कि गैर इंसानी खरीदो फरोख्त में डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास के मुलव्वस होने का भी वाज़ेह इशारा मौजूद था। हम जैसे ही डीसी ऑफिस में दाखिल हुए, एक मतानत वाले नौजवान और बज़ाहिर सुलझे हुए शख्स को डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। एक डिप्टी कमिश्नर वो था जिसने हमें आता हुआ देखकर अपने दफ्तर से दौड़ लगा दी थी, और एक नौजवान डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबिदीन जिसने निहायत तहम्मुल से हमारे सबूत देखे, हमारे तल्ख सवाल सुने, हमें वजाहत भी दी और अपने इस राशि और करप्ट मातहत अफसर को उसी वक्त गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया। मेरा यकीन करे दिल करा मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। कैसे आप? ठीक हैं? खैरियत से? सॉरी सर, आपको जहमत दी, आप अगर कर लें प्लीज़। ये हम बस 5 मिनट आपके चाहिए। बिल्कुल जी, शुक्रिया। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि ये इन साहब का नाम है कयूम लगारी साहब। ये क्या है सर यहाँ पे? इजाजत है? ये क्या है सर यहाँ पे? मुख्तियार कार है सर। मुख्तियार कार है? बेटा लाओ लैपटॉप लाए जरा। अच्छा सर, इसमें गुजारिश ये है कि यहाँ हम जाके नहीं, लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को ज़रूरत है इस वक्त, और जहर कैटास्ट्रोफी बहुत बड़ी है, डिजास्टर बहुत बड़ा है। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर आपके हाउस से राशन निकलेगा और बिकेगा मार्केट के अंदर, डीसी हाउस की बात कर रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है जो बात मैं कह रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए, वहाँ से कंबल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की स्टैंप वाले निकलेंगे और बिकेंगे और ये साहब उनके पैसे लेंगे, तो दुनिया में कौन हम पे ट्रस्ट करेगा? यहाँ की लोकल एनजीओज में से कौन हम पे ट्रस्ट करेगा? पब्लिक में से हम पे कौन ट्रस्ट करेगा कि आप टैक्स दें और टैक्स के पैसे जो है वो ठीक लोगों पे लगेंगे? और ये मेरा मेरा इसके इसको प्रूव करने के लिए, ये तो इन्होंने 2 फॉर्म बनवाने के पैसे दिए जो बेस बनी हमारी इनके साथ ताल्लुक की। ये भी मतलब देख रहे हैं, अच्छा ना, फिर एक ही बार जवाब भी दे दें अगर इनका कोई आर्गूमेंट है। वैसे उसूल आपको सीट में तो नहीं बैठना चाहिए, आपको खड़े मुलजे में आप खड़े देखना चाहिए आपको। ये 15 राशन आ गए सरकारी मरकारी जो भी होंगे आपके राशन।
देख ले ले। ये पहले हाथ मारे हैं आप कितने पहले गिने? दूसरे लोग पब्लिक के। अरे नहीं नहीं पब्लिक के प्रॉब्लम नहीं होगा प्रॉब्लम। क्या हो गया ये आपके हो गया। ये 20,000 रुपए आपको मैंने ये 65 सरकारी कंबल के दे दिए। ठीक है ठीक है। किसने किया? हमने हम ही कर रहे हैं तो हम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आपके साथ और आप ये बात कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही थोड़ी सी। चलो इकरार भाई इसमें शर्म भी नहीं है इस आदमी को? बच्चे भूखे मर रहे हैं सिंध के और सर्दी में चिट्ठी के मर रहे हैं और तुम यहाँ बेच रहे हो चीजें। इकरार भाई तुम कह रहे हो शर्म भी नहीं आनी चाहिए? बैठे सर बैठा कैसे हुआ मुझसे आपके ऑफिस के अंदर? अजीब आदमी है कि शर्म भी नहीं है यार। इकरार भाई आई डील विद प्लीज आप प्लीज बैठो नहीं बताऊं कुछ मैं आपको प्लीज तशरीफ रखिए फाइल उस पे आप आप प्लीज दो मिनट तशरीफ रखिए। आई विल डील विद हिम आई विल डील इट राइट अवे। आप टेंशन ना लीजिए यकीन है मैं इसीलिए आपकी शोरत सुन के आपके पास नहीं आप बेफिक्र। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन बोर्ड? घणी दफा तहां जा इतां का इंक्वायरी जो मुंह कढ़ी वाइन कमिश्नर साहब तां जी इंक्वायरी हले पई असां तां बिगाड़ियो छ कि हन में केड़ी ब्लैकमेलिंग नजर आई है? सही तां पैसा पे गिणो तां फोनन ते डीलू पे कट कयो यार करो कुछ बकोने सर इनन फार्म कयूम साहब तां जी फटी खड़ी खड़ी असा बिजाल कयो छ रिफ्यूज कयो हो तो हम फोन इनन ते तो तां में पैसा पे गिणो सर इनन फार्म जबरदस्ती मके देनी इज्जत कराए छ महकमे के छजो ता के रोज फोन के समझाइनो है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कात इज्जत रखो इनन फार्म जबरदस्ती मके देनो ते चंदे में संग पुलिस बुलायो यार फोन साहब। अरे दिस नॉट ही कभी अंदर क्यों ताकि ऐसा समझाइयो लाने था यार। पूरी गाड़ी भरी हुई है सर ये राशन यानी इतनी दीदा दिलेरी है कि उन साहब ने स्टिकर तक उतारना गवारा नहीं किया कि खैर है इतनी बदमाशी है। इस बुलाया कौन सर? एटलीस्ट मॉन्यूमेंट खोड़ी खुदा करनी हो ना तो सर झुकाए भी है सर मुझे इन्होंने वापस कर दो पैसा है वो कमिटमेंट वापस कर आए थे आपने वापस किए पैसे किए आपने वापस कितने दिन हो गए 20 दिन हो गए यार एसी में एंट्री तक लाखों जो मनी का व्यवस्थे का अन्ना भी तो ब्लैक करेगा यार। क्यूम साहब देखें वही बात सारे जो थी ना बड़े आप हमारे और उम्र का लिहाज कर रहे हैं ना वरना तो ये जो हरकत आप की है तो ये शर्म और बहुत छोटे आगे आपका जमीन मुतमिन है बस यार यार मत कमाल है यार कमाल है यार आपका जमीन अभी भी सबसे बुनियादी सवाल कि अगर डिप्टी कमिश्नर हाउस से सरकारी राशन और कंबल फरोख्त हो रहे हैं तो ये कैसे मान लिया जाए कि डिप्टी कमिश्नर खुद इस कारोबार में मुलव्विस नहीं? इस सवाल के जवाब में डीसी मीरपुर खास जैनुल आबिदीन ने बताया कि वो अपनी तैनाती के बाद से अब तक डीसी हाउस मुंतकिल ही नहीं हुए बल्कि अपने एक अपार्टमेंट ही में रिहाइश पजीर है जिसकी बात रजा हमारे तमाम जराए ने तस्दीक भी की। कैसे हाउस से कैसे ये निकलवा सकते हैं ये चीजें? अभी मैंने ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है इस चीज़ पे। चार माह से यकीन करें घर नहीं गया अपनी वालदा से नहीं मिला उसी वजह से कि एक ये गलती कर बैठते कि ऐसे ऐसे लोग हमारे महकमे में आ जाते हैं इनको भी जिम्मेदारी देते हैं तो फिर उसका ऐसे अब्यूज़ करते हैं। मेरे पास 7 मुख्तियाकार हैं हर मुख्तियाकार आके घर पर रिसीविंग देता है जो भी पार्टी लेने आती है डेस्टिट्यूट हो जो उसको रिसीव करवाता है। ऑफिस में कोई बंदा आता है हम उसको यहाँ से तपेदार के साथ स्टाफ के साथ भेजते हैं घर जाके रिसीव करें अपनी खुद शनाख्तें वहाँ पे कि मैंने उठाया। ये इन लोगों ने पता नहीं क्या सिस्टम बनाया हुआ कि फ़ोनों पर वहाँ से उठा रहे हैं। तो हैरान हो रहा हूँ कि एक बंदे को कॉल कर रहा है वो उठा रहा है वहाँ से वो गाड़ी भर के नहीं सामने सर ये ट्रक खड़ा है अभी आप जाएंगे तो बाहर जाके ये पूरा हमारे ये राशन भी और ये 65 कंबल वंबल हर चीज़ जो है उसके अंदर और मैंने इनसे पूछा आपने कोई एक इलाका मुझे बता दें जहाँ आपने तकसीम किया राशन चलो हम जाके तस्दीक कर लेते हैं तो सारा खा पी गए हैं इसका मतलब है आप इस रिलीफ के काम में यार खुदा का इतना डर होता है हमारे ऊपर कि यार भूखे बच्चे बच्चियाँ खुले आसमान के नीचे डिग्री छुट्टों में आप जाके हालत तो देखें आप तो गए नहीं होंगे अपने इलाकों में मुझे यकीन है भाई मेरा यकीन करें दिल करा मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। चार महीने से मैं खजल खुआ रहा हूं आपने देखा 3 दफा हॉस्पिटलाइज हुआ हूं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं आज आपने मेरी सारी इज्जत सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। यानी अब देखें मैं कहूंगा भी ना कि डीसी साहब नहीं भाई डीसी हाउस से कैसे निकली है चीजें मैं तो नहीं कह रहा लेकिन कितने बड़े सवाल ये निशान है देखें ऑथराइज करेगा ना ये आपकी बगैरती की वजह से वहां से सामान मिसयूज हुआ देखें और अभी भी एक लफ्ज़ से एक लफ्ज़ को हम ही आप लोगों ने क्या ब्लैकमेलिंग की है क्या ब्लैकमेलिंग है जरा समझाएं आज को भी समझाएं मैं बिल्कुल धीमी आवाज़ से सुनता हूँ आपकी आवाज़ में बिल्कुल बेन ही रिकॉर्ड करके ऑन एयर भी करूँगा आपका मौके बताएं नो बताएं क्या ब्लैकमेलिंग हाँ जी कोई कमेंट्स नहीं
नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं ना, आप कह रहे ना ब्लैकमेलिंग, तो ठीक है जो करना है आप करो भाई, कर रहे हो जो आदमी अपने बच्चों का, अपने इलाके के मासूम बच्चे जो इस वक्त भी सर्दी में ठिठर रहे होंगे, जिनको इस वक्त भी शायद खाने को नहीं मिल रहा, आप उनका ये तो ये वो एक डील है जो आपने हमारे साथ की है, वैसे आपने पता नहीं क्या बेड़ा गर्क किया पूरी पूरे राशन की खेप का। मुख्तियार कार कुयूम जतोई की जानिब से अपने वाज़े वीडियो सबूत होने के बावजूद अपने मकरूह काम से मुसलसल इनकार पर डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबिदीन के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया और उन्होंने वहीं खड़े खड़े इस बेहिस सरकारी अफसर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मैंने आपके मुताबिक बहुत अच्छा सुना, मुझे यकीन, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं शायद पिछली तरह के होंगे डी साहब, मैंने कहा मुझे यकीन है कि वो जाके फेस करेंगे अगर ठीक आदमी है तो, और लास्ट टाइम हमने इसी ऑफिस में हमने देखा था डी साहब यहाँ मोबाइल छोड़ के भाग गए थे, और आई एम ग्लैड कि कुछ ऐसा है जो फेस कर रहा है तभी जब उसको पता है मेरे दिल में शायद चोर नहीं है, लेकिन यार आप तो अल्लाह का वास्ता है, गलती बंदा मान लेता है, बड़ा होता है इंसान का, ये नहीं कहता जो करना कर लो, इसको वहां बैठाओ, दोनों के ऊपर खड़े हो जाओ, पुलिस नहीं आती, राइट अवे इनके खिलाफ लिख रहा हूँ, ही इज क्लियरली गिल्टी, इसका चेहरा बता रहा, और ये जो हरकतें की आपने मोबाइल पे यार, अदा इमीडिएटली अरेस्ट, मुख्तियार इमीडिएटली अरेस्ट, कैसे थाने वठी वञो, ठीक है, मां एसएचओ साहब सां ॻाल्हायो, मां पाण मुदई थियां थो, एसएचओ साहब खे झलियो, मां पाण मुदई थियां थो, इनजे ख़िलाफ़ इनखे हीअं अरेस्ट, इनखे ॿधो, हिन सॼे डिपार्टमेंट खे ज़लील करायो हुयो, एंटी करप्शन में तव्हांखे इहा कॉल करे थी, मां ॿुधो कयां, इनखे छॾिणो न आहे जेसिताईं मां न चवां। मुख्तियार कार के खिलाफ टीम सरेआम की कार्रवाई का सुनकर डीसी ऑफिस के बाहर लोगों का एक जम्मे गफीर जमा हो गया था। पुलिस बहुत मुश्किल से मुख्तियार कार को इन लोगों से बचाकर थाने ले जाने में कामयाब हुई। इन लोगों का कहना था कि हमें और बाकी सैलाब मुतासरीन को इन अफसरान की जानिब से कुछ नहीं मिला और ये हमारे हक और हिस्से का सामान बाजार में बेच रहे हैं। यहाँ पर अरबों रुपए का माल बेच दिया था, कोई नहीं पूछता, यहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन की जाती है, कोई नहीं पूछता, यहाँ तक कि एक पेपर बनाने के लिए भी, यहाँ पर डोमिसाइल बनाने के लिए भी यहाँ पर रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर अस्पताल के अंदर दाखिले के लिए भी रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर मकान बेचने के लिए भी रिश्वत दी जाती है, यहाँ पे डोमिसाइल पीआरसी, कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें रिश्वत नहीं दी जाती हो। अच्छा भाई, आप जितने भी लोग हैं कोई मुतमईन है यहाँ पे कि काम ठीक हो रहा है? बहुत अच्छा, माशाल्लाह सही किया आपने, पता लगा ये लोगों का, आपने पूछा ये गरीबों का बात था जो आपने काम किया है, समझो कि एक तरह आपने जात किया, बहुत अच्छा काम किया, जुल्म किया लोगों के साथ, ये लोग बड़े परेशान है लोग यहाँ पर ना, बहुत मसला हो, ये जो अभी कंगल डंड वाले जो हमारे लाल साग वाले, इसमें चार चार फुट पाँच पाँच फुट पानी, क्या कह रहे थे? फुट पानी है, पानी है, अच्छा 6 फुट पानी खड़ा है। कहाँ से आप? के क्या राशन वाशन मिला, कंबल मिले? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ऊपर पानी खड़ा है, उधर बारी बारी कराची से आती है तो इधर हड़प हो जाती है, शहर में यहाँ पे सारा खत्म, एसी डीसी भी नहीं, कोप पानी ला खत्म, सामान लेने इसीलिए चार पांच बंदे पुलिस के घुरा के हमारे को डंडे मार के जेल में सारा रात मारा है। देखो आप कहाँ से आए? मैं कंगल खीर कराई उधर से आए, तालका सिंदड़ी, हाँ तालका सिंदड़ी। तो वहाँ कितने लोगों को राशन मिला होगा? राशन मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला, कराए चलो। अब भी खड़े आप लोगों के लिए? हमारा बच्चा रोड पर, हमारे गांव में 5-6 फुट पानी है, कंगल कंडेर खीर कराई तीनों देव में पानी है, हमारा बच्चा इस वक्त रोड पर पड़ा है, कोई कंबल मिला नहीं, नहीं हमारे को तो कोई कंबल, कोई खेमा, कोई नहीं, राशन, नहीं कोई अल्लाह का सवाब बना के, अल्लाह का कहीं नहीं मिला है, और दूसरा गांव तो 400-500 गांव है, सारा बुढ़ा पड़ा है, तीन तिहू बुढ़ा पड़ा है।